नमस्कार दोस्तों, आईटीआर भरते समय असेसीज एट लार्ज यानी करदाताओं को एक इम्पॉर्टेंट क्वेरी का सामना करना पड़ता है कि उन्हें अपनी एसेट्स एंड लायबिलिटीज आईटीआर में कब दिखानी है और वो एसेट्स एंड लायबिलिटीज की क्या वैल्यू उन्हें आईटीआर में फिल करनी है। आज के इस वीडियो में दोस्तों, मैं सी अनु भाटिया आपके साथ इसी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पर, जिसका टाइटल मैंने दिया हाउ टू रिपोर्ट एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन आईटीआर, चर्चा करने जा रहा हूं। दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं कि हम ये बात समझे, हु इज लाइबल टू रिपोर्ट एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन आईटीआर। क्या आपको आईटीआर में एसेट्स एंड लायबिलिटीज दिखाने की कब आवश्यकता है? तो दो कैटेगरीज यहां पर महत्वपूर्ण है। पहली, एनी पर्सन हैविंग टोटल इनकम ऑफ अबाउ रुपीज 50 लाख इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन आईटीआर। यानी एक इंडिविजुअल, एक एचयूएफ के रूप में, जिनके लिए ही मैंने ये वीडियो बनाई है, कि यदि आप एक इंडिविजुअल हैं यानी एक व्यक्ति हैं, या एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी हिंदू अविभाजित परिवार हैं, और आपकी टोटल इनकम रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर के लिए, मैं फिर बोल रहा हूं सर, टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम नहीं, यदि आपकी टोटल इनकम 50 लाख से ऊपर है, तो आपको अपनी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज शेड्यूल एल के रूप में आईटीआर में रिपोर्ट करनी पड़ेगी। व्हाट इज शेड्यूल एल? शेड्यूल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। दूसरा, यदि आप बिजनेसमैन या प्रोफेशनल हैं और आप अपनी रियल इनकम ऑफर कर रहे हैं आईटीआर 3 में, तो ऐसी परिस्थिति में भी आपको अपनी एसेट्स एंड लायबिलिटीज की घोषणा इनकम टैक्स रिटर्न प्रपत्र में करनी पड़ेगी। अब दोस्तों, आपसे बात करता हूं कि यदि आप रिलेवेंट कैटेगरी में आ रहे हैं जिसमें आपको एसेट्स एंड लायबिलिटीज रिपोर्ट करनी है, तो वो कैसे रिपोर्ट करनी है? तो पहली बात, यदि आप एक सैलरीड पेड एम्प्लॉई हैं और बिजनेस प्रोफेशन से आपकी कोई इनकम नहीं है, और मैं ये मान लेता हूं कि आपकी टोटल इनकम 50 लाख से अधिक है, तो ऐसी परिस्थिति में दोस्तों, आपको शेड्यूल एल यानी शेड्यूल एसेट्स एंड लायबिलिटीज फिलअप करना पड़ेगा, और आपके केस में आईटीआर 1 अब लागू नहीं होगी, आईटीआर 2 लागू होगी। अब शेड्यूल एल कैसे भरना है सर, इस पर आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। देखिए, शेड्यूल एल ये मेन आईटीआर प्रपत्र का पार्ट है। एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर बड़ा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है दोस्तों। यानी 1 अप्रैल को आपके पास में कोई एसेट थी, बीच में थी, वो इरेलेवेंट है। अगर 31 मार्च को कोई एसेट आपके हाथ में है और आपकी टोटल इनकम अबाउ 50 लाख है, तो आपको उसे इस शेड्यूल एल में फिलअप करना है। एप्लीकेबल इन केस वेयर टोटल इनकम एक्सीड्स रुपीज 50 लाख। और ये मान के चलिए सर कि ये रिपोर्टिंग मैंडेटरी है। क्या बताना है आपको? आपको बताना है, नंबर ए, डिटेल्स ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी। कोई भी इमोबल प्रॉपर्टी जो आपने आपकी ऑनरशिप में ले रखी है, उसका डिटेल आपको यहां पे देना है, कि उस प्रॉपर्टी का आप नेचर बताएंगे, क्या वो लैंड है, क्या वो फ्लैट है, क्या वो रेजिडेंशियल हाउस है, उस प्रॉपर्टी का एड्रेस, वो प्रॉपर्टी की लोकेशन और कॉस्ट। देखिए, बड़ा क्लियर लिखा है, अमाउंट कॉस्ट इन रुपीज। जो आपकी कॉस्ट थी, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इरेलेवेंट है, फेयर मार्केट वैल्यू इरेलेवेंट है, जो कॉस्ट थी वो आपको यहां रिपोर्ट करनी है। डिटेल्स ऑफ मूवेबल एसेट। अब देखिए, इसके बाद आपको इमोबल प्रॉपर्टी के बाद मूवेबल एसेट, जिनका डिस्क्रिप्शन और उनकी भी क्या बतानी है सर, आपको कॉस्ट बतानी है। ज्वेलरी, बुलियन एक्सेट्रा, इनकी आपको कॉस्ट बतानी है। मान लीजिए आपके ऑनरशिप में कोई ज्वेलरी है, तो वो ज्वेलरी आपने कितने की खरीदी, वैल्यू कितनी है 31 मार्च को, वो इरेलेवेंट है। अगर आप उसकी कॉस्ट, जिस दिन, कई बार हो सकता है आपको किसी फंक्शन पर वो ज्वेलरी मिली हो, तो उस दिन उसकी क्या वैल्यू थी, वो आपकी कॉस्ट मानी जानी चाहिए। ऐसे ही सर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, एनी वर्क ऑफ आर्ट, इनकी कॉस्ट क्या थी। कोई व्हीकल, मान लीजिए आपने कोई स्कूटर खरीदा, कोई बाइक खरीदी, कोई कार खरीदी, तो उनकी वैल्यू जो आपके नाम पर एसेट है, व्हीकल, याच, बोट, एयरक्राफ्ट, उनकी कॉस्टिंग आपको यहां पर देनी होगी। फाइनेंशियल एसेट, बैंक इंक्लूडिंग ऑल डिपॉजिट। अब देखिए, यहां पर अमाउंट इन कॉस्ट लिखा है, तो मैं तो ये कहूंगा सर कि बैंक बैलेंस आपके पास में जो भी है, एफडी के रूप में, आरडी के रूप में, या सेविंग बैंक का बैलेंस, करंट अकाउंट का बैलेंस, वो बैलेंसेस की टोटल वैल्यू एज ऑन 31 मार्च आपके लिए क्या थी, वो आप रिपोर्ट करेंगे। शेयर एंड सिक्योरिटीज की भी सर बात करूं, तो केवल आपको कॉस्ट यहां पर डिस्क्लोज करनी है। अब इश्यू क्या है, आप कहेंगे अनूप जी कॉस्ट डिटरमाइन करना बड़ा मुश्किल है। सर, मेरा सजेशन है, अगर कॉस्ट आप रिफ्लेक्ट करा सके तो बहुत अच्छा है, और अगर आप कॉस्ट नहीं कर पाए तो एनएसडीएल या और डिपॉजिटरी से आपको जो एक एनुअल स्टेटमेंट मिलता है, आप वहां से, यहां पर शेयर्स एंड सिक्योरिटीज लिखा है, तो आप इसमें शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड,
इस तरीके की सिक्योरिटीज की कंबाइंड वैल्यू एज ऑन 31 मार्च देना आपको कॉस्ट ही है सर। अगर आपको कॉस्ट नहीं मिल पा रही या आपसे कॉस्ट डिटरमाइन नहीं होती तो फिर आप जो आपकी क्लोजिंग वैल्यू थी वो दिखा सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि कॉस्ट डिटरमाइन करना ऐसी परिस्थिति में एक मुश्किल कार्य होता है। इंश्योरेंस पॉलिसी, अब इंश्योरेंस पॉलिसीज की कॉस्ट कैसे दिखाएं सर? तो मेरा सजेशन है कि इंश्योरेंस पॉलिसीज में जो आपने कॉन्ट्रीब्यूशन किया है टिल डेट, टिल 31 मार्च, वो कॉन्ट्रीब्यूशन आपकी कॉस्ट है, आप उसे यहां दिखा सकते हैं। अगर आपने किसी पार्टी को लोन एंड एडवांस दे रखे हैं तो आपने कितनी वैल्यू का लोन एडवांस दिया उसे यहां दिखाएं। और कैश इन हैंड जो आपके पास में है, समझिएगा ये सैलरीड एम्प्लॉय से पूछा जा रहा है कि कैश इन हैंड कितना है, तो 31 मार्च को उनके हाथ में जो कैश इन हैंड हो वो कैश इन हैंड की वैल्यू वो दिखाएंगे। और ये एसेट जो आपने ए कैटेगरी में दिखाई है, इन ए कैटेगरी की एसेट्स में और बी कैटेगरी की एसेट यानी इमूवेबल एसेट और मूवेबल एसेट, इनसे रिलेटेड जो लोन आपने ले रखे हो, जैसे आपने कोई मकान खरीदा उसके लिए आपका कोई लोन था 31 मार्च को आउटस्टैंडिंग वो लीजिए, कोई आपका कार लोन था वो कार लोन की वैल्यू आप लीजिए, कोई आपने पर्सनल लोन लेकर के कोई कार खरीदी या कोई व्हीकल खरीदा उसकी वैल्यू को लीजिए, यानी इन एसेट्स को बनाने के लिए अगर आपने कोई लोन लिया, इन एसेट्स को एक्वायर करने के लिए कोई लोन लिया है तो उसको आप यहां पर लायबिलिटी के रूप में शामिल करिए। दिस इज माय सजेशन। अब दोस्तों ये पॉइंट डिस्कस करता हूं, हाउ टू रिपोर्ट इन द केस ऑफ बिजनेसमैन और अ प्रोफेशनल, कि आपको एसेट्स एंड लायबिलिटी दिखानी है और आप बिजनेसमैन या प्रोफेशनल है, तो मैं यहां पर दो सिनेरियो मानता हूं। पहला, आर यू ऑफरिंग इनकम अंडर प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन, क्या आप प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन में अपनी इनकम ऑफर कर रहे हैं, या यू आर ऑफरिंग रियल इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। अब दोनों परिस्थितियों में डिफरेंस है कि प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन में आप 44AD, 44AE या 44ADA में अपनी इनकम ऑफर करते हैं, एक टेंटेटिव कैलकुलेशन करते हैं, और अगर आप एक्चुअल इनकम ऑफर कर रहे हैं तब जब आप पर प्रिजम्प्टिव इनकम की स्कीम लागू ही नहीं होती, तो ऐसी परिस्थिति में आपको कैसे एसेट्स एंड लायबिलिटी दिखानी है मैं उस पर चर्चा करता हूं। दोस्तों यदि आप इनकम प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन में यानी 44ADAE या AE ADA में ऑफर कर रहे हैं, तो आप एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात नोट करिए कि ITR 4 फाइल करते समय, क्योंकि ज्यादातर प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन में जब आप इनकम ऑफर कर रहे हैं एज एन इंडिविजुअल एज एन HUF, तो ऐसी परिस्थिति में आपके ऊपर एप्लीकेबल ITR हुई ITR 4। अब अगर आप ITR 4 भर रहे हैं तो ITR 4 भरते समय कुछ आपको फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स देने हैं जो बैलेंस शीट जैसे ही हैं, जैसे फाइनेंशियल पर्टिकुलर ऑफ द बिजनेस पार्टनर मेंबर्स ओन कैपिटल, क्या आपकी खुद की कैपिटल उस व्यापार में कितनी लग रही है, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, एडवांसेस, सन्ड्री क्रेडिटर, अदर लाइबिलिटीज, टोटल कैपिटल एंड लाइबिलिटी। तो आप ITR 4 भरते समय ये सारी डिटेल्स अपनी ITR में देने के लिए लाइबल है जब आप ITR 4 भर रहे हैं। और साथ ही साथ दोस्तों आपको फिक्स एसेट, इन्वेंट्री, सन्ड्री डेटर, बैलेंस विद बैंक, कैश इन हैंड, लोन एंड एडवांसेस, अदर एसेट्स, टोटल एसेट्स की वैल्यू भी देनी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे डिस्कस कर रहा हूं, ITR 4 भरते समय ये जो फॉर्मेट है, ये जो फाइनेंशियल पर्टिकुलर ऑफ बिजनेस मांगे गए हैं जो कि एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के शेप में है, बहुत से एम्प्लॉय, बहुत से लोग, बहुत से बिजनेसमैन या प्रोफेशनल ये डिटेल्स प्रॉपरली फिलअप नहीं करते। मेरा सजेशन है सर कि जहां तक संभव हो आप इन डिटेल्स को प्रॉपरली कलेक्ट करके रिटर्न फाइल करते समय अपने कंसल्टेंट को दें, या आप स्वयं रिटर्न भर रहे हैं तो इन इंफॉर्मेशन को यथासंभव रूप से अपडेट करके अपनी रिटर्न में भरें, तो दैट विल बी अ गुड टैक्स प्रैक्टिस फ्रॉम योर साइड। अब दोस्तों बात करता हूं, इफ यू आर ऑफरिंग इनकम अंडर प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन बट टोटल इनकम इज ग्रेटर देन ₹50 लाख, कि आप प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन में तो हैं लेकिन आपकी टोटल इनकम, सर देखिए टोटल इनकम एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है, उसमें सैलरी भी आती है, उस प्रॉपर्टी भी आता है, बिजनेस प्रोफेशन भी आता है, कैपिटल गेन भी आता है, अदर सोर्स भी आता है, यानी पांचों हेड की इनकम आ रही है। अगर इन पांचों हेड आपके बिजनेस में तो 50 लाख से ऊपर इनकम नहीं है, पर पांचों हेड में मिला के आपकी 50 लाख से ऊपर की इनकम है और आप ITR 4 भर रहे हैं, तो मैं कहूंगा सर उस परिस्थिति में आपको ITR फॉर्म 4 छोड़ना पड़ेगा प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन से और ITR 3 में जाना है। ऐसा नहीं है कि ITR 3 में आप प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन का बेनिफिट नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन ITR 3 बढ़ते समय अगर आप प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन में हैं
और आपकी टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है, तो दोस्तों मेरा सजेशन ये रहेगा कि आपको शेड्यूल एएल फिर फिलअप करनी पड़ेगी। और शेड्यूल एएल कैसे फिलअप करनी है वो मैंने पहले आपसे सैलरी पेड एम्प्लॉय के केसेस में जो डिस्कशन किया वो बात आपको ध्यान में रखते हुए शेड्यूल एएल फिलअप करते हुए आगे चलना पड़ेगा। अब दोस्तों बात करता हूं, यदि आप बिजनेस प्रोफेशन में प्रिजम्प्टिव इनकम नहीं लेकर के चल रहे, आप एक्चुअल इनकम ऑफर करेंगे, तो आपको बैलेंस शीट कैसे फिल करनी है, यानी एसेट्स एंड लायबिलिटीज की क्या डिटेल देनी है। तो देखिए वहां मेरे दो पॉइंट है या दो सजेशन है। इफ योर टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड ₹50 लाख, देन ओनली एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस शुड बी रिपोर्टेड। यानी अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा नहीं है और आप ITR 3 भर रहे हैं, यानी रियल इनकम ऑफर कर रहे हैं, तो केवल आपके बिजनेस या प्रोफेशन की एसेट्स एंड लायबिलिटीज रिपोर्ट करनी है, पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटीज रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। और यदि आप ITR 3 भर रहे हैं, यानी एक्चुअल इनकम ऑफर कर रहे हैं, और आपकी टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको बिजनेस की एसेट्स एंड लायबिलिटीज तो बिजनेस बैलेंस शीट में देनी है, और आपकी जो पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैं वो भी आपको शेड्यूल एएल के रूप में फिलअप करके देनी पड़ेगी। तो मैं वापस से इसको कंक्लूड करने की कोशिश करता हूं सर, कि ये एक महत्वपूर्ण अंडरस्टैंडिंग है, जिस भी पर्सन की टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा हो गई, चाहे वो सैलरी पेड हो चाहे वो बिजनेसमैन, उन सज्जन को सर अपनी सारी पर्सनल एसेट्स, सारी लाइबिलिटीज जो उन एसेट के रिलेशन में है, और वो एसेट्स जो शेड्यूल एएल की कैटेगरी में मेंशन है, इमूवेबल प्रॉपर्टी और स्पेसिफाइड मूवेबल प्रॉपर्टी, वो डिस्क्लोज करनी है। और जिनके टोटल इनकम 50 लाख से कम है या 50 लाख तक है, सैलरी पेड एम्प्लॉय को तो कोई एसेट्स एंड लाइबिलिटी बतानी नहीं। और बिजनेस प्रोफेशन में अगर आप ITR 4 भर रहे हैं और आपकी टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा नहीं है, तो जो फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स मांगे वो देंगे। और यदि आप बिजनेसमैन हैं, रियल इनकम ITR 3 में ऑफर कर रहे हैं, आपकी टोटल इनकम यदि 50 लाख तक है, तो आप केवल बिजनेस की एसेट्स एंड लायबिलिटी दें, और यदि आपकी टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है, तो आप बैलेंस शीट में तो बिजनेस की एसेट्स एंड लायबिलिटी दें, और शेड्यूल एएल में पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटीज की भी घोषणा करनी चाहिए। दोस्तों एक छोटी सी क्विक चर्चा आपके सामने ये रख रहा हूं कि यदि आप ITR 3 भर रहे हैं, यानी अपने बिजनेस प्रोफेशन की रियल इनकम ऑफर कर रहे हैं, तो आपको ऐसी परिस्थिति में जो बैलेंस शीट फिलअप करनी है, और मैंने पहले भी बोला है कि यहां बैलेंस शीट में केवल बिजनेस की एसेट्स एंड लायबिलिटी देनी है, उस बैलेंस शीट में दोस्तों क्या क्या चीजें मांगी गई हैं, क्या क्या पॉइंट है। प्रोपराइटर फंड, क्या आपकी खुद की कैपिटल कितनी लग रही है, आपके रिजर्व एंड सरप्लस यानी प्रॉफिट्स का कितना हिस्सा है, इसी प्रकार आपका ये टोटल प्रोपराइटरशिप फंड बन गया आपकी कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस यानी P&L अकाउंट का बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस लेके, आपने सिक्योर्ड लोन कौन से ले रखे हैं, आपने अनसिक्योर्ड लोन कौन से ले रखे हैं, ये आपको मेंशन करने हैं। और ये सिक्योर्ड लोन अनसिक्योर्ड लोन कौन से होंगे दोस्तों, जो बिजनेस से रिलेटेड है। तो ये सारी चीजें एसेट्स लाइबिलिटीज में आपकी कैपिटल, आपके रिजर्व एंड सरप्लस और आपके लोन मिलकर के सोर्सेज ऑफ फंड बन गए। अब इन सोर्सेज ऑफ फंड के अगेंस्ट में आपने क्या क्या एसेट्स रखी, तो आपकी फिक्स एसेट, उनकी टोटल वैल्यू, डेप्रिसिएशन कितना क्लेम कर लिया, नेट ब्लॉक क्या बचा, कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है उनकी वैल्यू लें, आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वेरियस कैटेगरीज में क्या किए उन्हें डालिए, ये टोटल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकलेगी। मैं फिर बोलूंगा सर, बिजनेस के एसेट्स, बिजनेस के इन्वेस्टमेंट यहां डिस्क्लोज करने हैं, पर्सनल नहीं बताने। करंट एसेट्स एंड लोन एंड एडवांसेस ITR 3 में आपके इन्वेंट्रीज क्या क्या हैं, स्टॉक, रॉ मटेरियल, स्टॉक इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स, डेटर्स, व्यापार के देनदार कितने हैं, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, व्यापार से रिलेटेड कितने हैं, अदर करंट एसेट, और इस प्रकार टोटल करंट एसेट क्या है। फर्दर आपने किन्हीं को लोन एंड एडवांसेस दे रखे हैं, तो वो लोन एंड एडवांसेस की वैल्यू यहां पर आपको बतानी है। डिपॉजिट्स आपकी कौन सी हैं, बैलेंस विथ रेवेन्यू अथॉरिटी यानी गवर्नमेंट अथॉरिटी GST इनकम टैक्स के पास आपके क्या बैलेंस पड़े हैं, से आपको रिफंड क्लेम करते हैं वो दिखाइए। इन टोटल करंट एसेट्स के अगेंस्ट में आपकी लायबिलिटीज क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर, लायबिलिटी फॉर लीज्ड एसेट, इंटरेस्ट एक्रूड, ये सब आप यहां पे बताएंगे। कोई प्रोविजन आपने बनाया तो वो बताएंगे। इस प्रकार आप नेट करंट एसेट्स रिपोर्ट करेंगे। फाइनली अगर आपका कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है या डेफर्ड टैक्स एसेट कोई खड़ी है, ये बताते हुए आपके टोटल एप्लीकेशन ऑफ फंड, सो सोर्सेज ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड, बिजनेस से रिलेटेड ITR 3 में रिपोर्ट किया, ये आपका काम यहां पर पूर्ण हुआ।
तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो के थ्रू आपको दो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का आंसर मिला होगा कि एक करदाता के रूप में आपको कब अपनी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज और कौन सी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, और रादर एक तीसरा क्वेश्चन का आंसर और किस वैल्यू पर उन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को रिपोर्ट करना है आईटीआर में, इन प्रश्नों का उत्तर जानने में मदद मिली होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।